बिफोर एज यू कैन सी हेयर, जी हाँ 30% भी नहीं, 50% भी नहीं, 80% ग्रे हेयर, एंड हेयर यू कैन सी आफ्टर, वाओ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू श्यामास मेकओवर. हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप आई डूइंग ग्रेट. किरकम आछेन आपनारा? भालो. तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ 80% ग्रे हेयर कवरेज विद ग्लोबल हेयर कलर को आप कैसे कर सकते हो. एज यू कैन सी दिस इज बिफोर एंड हियर यू कैन सी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. यस गाइस, आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ 80% ग्रे हेयर कवरेज एंड साथ ही साथ ग्लोबल हेयर कलर को भी आप कैसे कर सकते हो. इनका जो बॉटम हेयर था तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑरेंजिश टोन था, और वैसे ऑरेंजिश येलोइश टोन को मैंने ऐसे क्या न्यूट्रलाइजेशन कलर यूज़ करके इनका पूरा इवन कलर टोन दिया है, और साथ ही साथ 80% ग्रे हेयर को भी मैंने कैसे कवरेज किया, ऐसे क्या कलर्स मैंने यूज़ किया है. चलिए इस वीडियो को बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एज यू कैन सी हेयर वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता ही है. मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. सो गाइज, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को, जी हाँ फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. देन यू विल सी द ऑल द लेटेस्ट वीडियो विद ऑल द नोटिफिकेशन. सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू शेयर एवरी वन, एज यू कैन सी हेयर दिस इज़ 80% ग्रे हेयर, जहाँ पे रूट्स जो है 80% ग्रे हो चुका है यहाँ पे अगर आप देखते हैं, और बॉटम का जो हेयर है हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा येल्लो है और ऑरेंजिश है. यहाँ पे मेजरल का 0.11 मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले, D11 मेजरल ग्लो का D11.11 मीन्स लाइक दिस इज़ मेजरल ग्लो न्यूट्रलाइजेशन कलर, बट आप इसमें कुछ कलर भी क्रिएट कर सकते हो. D11 मीन्स यू नो ट्रू एश ट्रू ब्लू. यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैंने मिक्स किया है, और चलिए देखते हैं इस कलर को. सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ गाइस, इनका जो बॉटम जो फ्रंट साइड के जो हेयर है वो नेचुरली हेयर, वो हमेशा नेचुरल हेयर रखती है, और उसको हम क्या करते हैं कई बार, मैंने लास्ट टाइम मैंने उनका 9.11 भी यूज़ किया था, इस बार मैं ये D11 यूज़ कर रही हूँ मेजरल ग्लो का. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, पता क्या इनका ना थोड़ा सा ब्लूइश ग्रेइश कलर आया था, जो कि शी वॉज लविंग इट, उनको बहुत ही अच्छा लगा था ये ट्रांसफॉर्मेशन. पहले तो हम दोनों साइड में इसको D11 को हम पूरा कवर करेंगे फॉइल पेपर के साथ, राइट, उसके बाद हम लोग कम्प्लीटली टचअप करेंगे. तो चलिए देखते हैं. मेक श्योर गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. और मैं बताना चाहती हूँ, अभी अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आई एम जस्ट कमिंग आउट, मैं बाहर आके सलोन के बाहर जो हमारी एक स्पेशल जगह, मैं वहाँ पर वीडियो बनाती हूँ, और यहाँ पे ना बिल्कुल नॉइजिंग नहीं होती, क्योंकि सलोन में ना म्यूज़िक होता है, और म्यूज़िक के बाद वो कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, इसीलिए मैं नेचर के पास आके वीडियो बनाती हूँ. मज़ भी आपने थोड़ा सुना भी होगा कई बार, यू नो कुछ कुछ बर्ड्स की आवाज़ भी आपको सुनने में आती होगी. जी हाँ, बिकॉज आई ऑलवेज मेक दिस वीडियो इन लाइक यू नो वैसे घर में बनाती हूँ, बट कई बार टाइम नहीं होता, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो हेयर ओनली. एनी वेज, आप ज़रा फोकस कीजिएगा वीडियो को, साइड से थोड़ी बहुत जो डिस्टर्बिंग हो रही है उसके लिए आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दोनों साइड से मैंने फॉइल पेपर के साथ कवर कर लिया है अच्छे से, जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जी हाँ यहाँ पे मैं कवर कर चुकी हूँ इनके बालों को विद दिस D11. अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 5.18. सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 5.18 इनोवा शेड्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और 20 वॉल्यूम. तो जी हाँ, यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ध्यान से देखिएगा गाइज इस कलर को, ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे मैं ले रही हूँ, उनको थोड़ा सा 4 का नंबर चाहिए था, हमने उनको एक्चुअल में उनको जो शेड चाहिए था 4 का चाहिए था, बट मैं यहाँ पे 5 का लेवल यूज़ करूँगी. 5.18 मैंने हाफ ट्यूब लिया, और 4 नंबर मैं लूँगी यहाँ पे हाफ ट्यूब नहीं, यहाँ पे लूँगी 30% लूँगी, और 20% मैं लूँगी 3 नंबर. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, 5.18 मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में लिया है, यहाँ पे 4 जो है वो मैं ले रही हूँ 30%, एंड जो यहाँ पे 3 नंबर होगा वो मैं लूँगी, यहाँ पे देखो 4 नंबर मैंने 30% ले लिया है, और यहाँ पे मैं 3 नंबर जो मैं यूज़ करूँगी वो लूँगी 20%. तो वैसे हमें 80% का अगर फॉर्मूला हम बात करते हैं तो हाफ़ बेस और हाफ फैशन शेड होता है, पर मैं यहाँ पे हाफ मैंने फैशन शेड 5.18 यूज़ किया है, और 4 जो है हाफ़ की जगह मैं 30% लूँगी, और 20% मैं 3 नंबर लूँगी. तो गाइस यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ये 3 नंबर मैं ले रही हूँ 20%, तो 20% 3 नंबर हो गया, 4 नंबर 30% हो गया, टोटल हमारा 50% हो गया, और यहाँ पे फैशन शेड 5.18 हो गया, राइट. तो दोनों हाफ हाफ हो गया,
उसके बाद आपने क्या करना है, मिक्सिंग रेशो ये है 5.18, ये है 4 और 3, दोनों को मिक्स करके मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 20 वॉल्यूम इनोवा, जहाँ के मिक्सिंग रेशो होने वाला है 1:1। जी हाँ, मिक्सिंग रेशो होगा 1:1, इक्वल होना चाहिए। जब भी कभी भी आप मिक्सिंग रेशो, कभी भी आप इनोवा की बात करते हो तो मिक्सिंग रेशो होगा 1:1, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से टचअप कर रही हूँ। पहले हम ओवरऑल हेयर लाइन को टचअप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इन दीज डेज वी हैव अ ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस गोइंग ऑन। यही सारी चीज़ें मैं अपने ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस में सिखाती हूँ, साथ साथ थ्योरी सीखोगे, साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियो देखोगे, तो सोचो आप कितने परफेक्ट हो जाने वाले हो। अभी अगर आप लोग चाहते हो फ्री सेशन लेना, वन सेशन फ्री सेशन रहेगा क्योंकि क्लासेस इज गोइंग ऑन, 7 बैच इज गोइंग ऑन। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आई हैव ऑलरेडी मैंशन माई कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9871369576। यू कैन बुक योर सीट, व्हाट्सअप मी फॉर योर वन ट्रायल सेशन। जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में तो और भी ज़्यादा अमेजिंगली आप लोग सीखते हैं। मेरा 8 बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू ऑल ऑफ यू। क्लासेस भी देती हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में, साथ में ही वीडियो भी बनाती हूँ, इसलिए मैं बाहर सलोन के बाहर आके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। साथ साथ वीडियो भी पोस्ट करना, साथ साथ इतने सारे काम करती हूँ आप लोगों के लिए तो करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइज। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, हमने हेयर लाइन कंप्लीट किया और हम आते हैं यहाँ पे पतला सेक्शन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं, और साथ साथ हम पूरे अच्छे से इसको कवर करेंगे ग्रे, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड होगा, फिर राइट साइड होगा, फिर बैक से होगा, इस तरह से आप ग्रे कवरेज करेंगे। कीप वॉचिंग, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, जाइएगा नहीं। ऑल्सो यू कैन व्हाट्सअप मी फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग हेयर कलर और ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस। We'll be right back.
सो गाइज यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अब 5.18 सेम कलर हम लेंगे उसी बाउल में हम लोग मिक्स करेंगे, नो वरीज, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ आप अनदर बाउल भी ले सकते हैं, सब टी हो, मुझे ऐसे थोड़ा सा डार्क चाहिए कलर, तो मैं 5.18 में यहाँ पे 0.21 जी हाँ 0.21 0.2 क्या है वॉयलेट है, कलर व्हील में 0.2 क्या है वॉयलेट, 0.1 क्या है ब्लू है, तो वॉयलेट जो है न्यूट्रलाइज करेगा येलो टोन को, 0.1 न्यूट्रलाइज करेगा ऑरेंज टोन को। थोड़ा बहुत इनके बालों में अगर हम ध्यान से देखेंगे जी हाँ यहाँ पे मिक्सिंग रेशो 1:1 होगा, पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे येलो दिखेगा, हल्का सा शेड रिफ्लेक्शन और ऑरेंजिश भी है, तो यहाँ पे अगर देखोगे 2:1 मतलब येलो एंड ऑरेंज को न्यूट्रलाइज कर देता है ये वाला कलर। उसमें हमने थोड़ा सा ही मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं मिक्स करना, और पूरा मेन कलर तो 5.18 ही लेना है, और थोड़ा सा हमने 2:1 यूज़ किया है टू न्यूट्रलाइज एंटीब्रासी येलो एंड ऑरेंज टोन। यहाँ पे हमने रूट टचअप के बाद पूरे बालों में हमने ग्लोबल करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे ग्लोबल में हम इस तरह से एप्लीकेशन करेंगे राइट, तो जब आप ग्लोबल एप्लीकेशन करते हो पतला पतला सेक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके लेफ्ट साइड करना है राइट साइड करना है, सो लेफ्ट साइड से एप्लीकेशन एंड देन उसके बाद राइट साइड से एप्लीकेशन फ्रॉम बैक साइड फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट ओके, सो कीप कंटिन्यू टू एप्लीकेशन दिस हेयर कलर। सो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने बैक साइड से लेफ्ट साइड कंप्लीट कर चुकी हूँ और बैक साइड से ही अब मैं राइट साइड में एप्लीकेशन कर रही हूँ। यहाँ पे इनोवा जो है वो अच्छे से आप एप्लीकेशन करोगे, इनोवा कलर जो है विच इज़ कॉल्ड ODS टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ODS मीन्स होता है ऑयल डिलीवरी सिस्टम टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है बेसिकली, दिस इनोवा इज़ अ ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, सो वाटर बेस्ड नहीं है, ऑयल बेस्ड है, माइल्ड प्रोडक्ट है राइट, पूरा ही इनोवा के, बट इसमें थोड़ा सा मैंने 2:1 यूज़ किया था जिसमें थोड़ा सा येलो एंड ऑरेंज टोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आफ्टर एप्लीकेशन यू हैव टू लीव फॉर एटलीस्ट 35 मिनट्स पूरे बालों में एप्लीकेशन के बाद। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैं डबल एप्लीकेशन कर रही हूँ, मेरे सारे वीडियोज़ जो है इन डिटेल्स में होता है, कम्प्लीट ट्यूटोरियल होता है, कुछ भी स्किप नहीं होता है, जिससे आप लोगों को समझ में आता है आराम से ईजीली। और अगर आप लोग और भी कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो, कलर में मास्टर बनना चाहते हो या कलर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, बिगनर्स हो, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे 8 बैच के लिए आप कांटेक्ट कीजिएगा, इटे का ट्रायल सेशन। सो आफ्टर एप्लीकेशन यू हैव टू लीव फॉर 35 मिनट्स फॉर इनोवा हेयर कलर एंड यू कैन सी हेयर आफ्टर वेटिंग प्रोसेस, देन यू कैन सी वाओ बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे बॉटम के हेयर जहाँ ग्रे हेयर था जो बहुत ही ब्लूइश नज़र आ रहा है, D11 यूज़ किया हमने ब्लूइश ग्रे एंड 80% ग्रे एंड हेयर इज आफ्टर। आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो, कैसे लगा आपको ये ट्यूटोरियल जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए,
लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट कितने सारे बिगनर्स सीखे एंड ग्रो कर सकते हैं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। आपने कीमती समय देके ये वीडियो देखा, परमेश्वर आपको आशीष दे, मे गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी वेरी सून, बाय।